जी मेरठ मंडल जिला बुलंदशहर में गांव ग्राम है बैनीपुर, लगभग 3-4 हज़ार आबादी का गांव है। उसकी योजनाओं आपकी योजनाओं ने जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी नीतियों ने उस गांव का सब कुछ काया पलट कर दिया, जैसे कहा जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वहाँ की सड़कें हों, क्या बिजली हो, कुछ भी, अस्पताल में दवाइयाँ मिलने लगी, अल्ट्रासाउंड होने लगा है, सब कुछ होने लगा है। लेकिन फिर भी किसानों की कुछ शिकायतें हैं। सबसे पहली शिकायत है किसानों की गौवंश की। अभी उस गांव में कुछ महीने पहले एक महिला की भी गाय से वो हो गई, मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हुआ, गाय ने मार दिया। तो इसको आप उस गांव के जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जब अगली बार तो आप आ ही रहे हैं, जब आप आएंगे तो आप क्या उनको, इस गांव के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, बिना भेदभाव के प्रदेश के 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास और सुशासन का और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना, इसका लाभ पहुंचाना, हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के इस कार्य को किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी गांवों के एक सुनिश्चित विकास के लिए कार्य योजना दी, ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया और उनका ये मानना रहा है कि विकास की धुरी ग्राम पंचायत बननी चाहिए। आज उसका परिणाम है गांव में सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो रहा है। हमारी सरकार ने उसी क्रम को आगे बढ़ाया और केंद्र और प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना, हर घर में शौचालय उपलब्ध करवा देना, जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाने का काम किया गया, जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था उनको राशन उपलब्ध करवा दिया गया, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। गोवंश से जुड़ी हुई समस्या, ये एक समस्या इसलिए है क्योंकि पिछली सरकारों में ये गोवंश या तो अवैध बूचड़खानों में कट जाता था या तस्करी से बांग्लादेश पहुंच जाता था। हमारी सरकार ने इसको सख्ती से रोका, लेकिन केवल रोका ही नहीं, इसका प्रबंध भी किया। हर जिले में हम लोगों ने निराश्रित गौआश्रय स्थल खोले, लगभग 7 लाख गोवंश की देखभाल उसमें की जा रही है। तो हर गोवंश पे 900 रुपये हम उस किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं हर महीने। अगर 4 गोवंश एक किसान रख रहा है तो उस किसान को 3600 रुपये हर महीने, 3600 रुपये हर महीने सरकार उपलब्ध करवाएगी, लेकिन उसको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी गोवंश की, हर महीने उसकी समीक्षा होगी। वेटनरी जो हमारे चिकित्सक हैं वो हर महीने जाकर के उसकी देखभाल करेंगे। और तीसरी योजना है पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित परिवारों को एक एक ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना, यह भी सरकार ने दी है। कोरोना कालखंड में इसमें डिस्टर्बेंस हुई है व्यवस्था, लेकिन ये मान करके चलिए कि प्रदेश सरकार इसको अब इसके बाद तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और इस समस्या का समाधान भी होगा, क्योंकि हम इसके बाद गौशालाओं को सीएनजी निर्माण के साथ, गोबर गैस प्लांट के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका अगला जो वर्जन है, यह गो को हम, गोवंश को हम एनर्जी के साथ और गो आधारित खेती के साथ जोड़ रहे हैं, और आप देखेंगे कि एक भी गोवंश सड़क पर या खेत पर नहीं रहेगी बल्कि निराश्रित गौआश्रय स्थल पर रहेगी, और यह ऊर्जा के साथ साथ केमिकल और फर्टिलाइजर की समस्या का समाधान का भी एक माध्यम बनेगा। जी, एक और सवाल, जो कुछ किसान है 25% के आसपास जिनका ये मानना है कि बिजली पहले की अपेक्षा आ तो ज़्यादा रही है, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सवाल ठीक भी नहीं है, पर मेरा पूछना बनता है क्योंकि उठाया गया है कि जो सिंचाई की बिजली है वो पहले की अपेक्षा आ ज़्यादा रही है पर थोड़ी महंगी हो गई है, किसान की जेब पर भारी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिजली पहले से महंगी नहीं हुई है, पहले बिजली नहीं आती थी इसलिए बिल आते थे तो वही आते थे जो मीटर के चार्ज होते थे या जितनी बिजली जलाई। इस समय हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 15 से 16 घंटे बिजली दे रहे हैं खेती किसानी के लिए भी, तो स्वाभाविक रूप से जितना कोई उपयोग करेगा उस प्रकार से बिजली का बिल आएगा। लेकिन हम लोगों ने किसानों के ट्यूबवेल के मीटर के रेट हाफ किए हैं, ओटीएस स्कीम लाई है और उनको हर प्रकार से सुविधा संपन्न किया है, इसलिए आने वाले समय में किसान और भी राहत होगी। हम इसमें एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं और उस स्कीम में हम हर किसान को जो ट्यूबवेल के कनेक्शन उनके थे, हम चाहते हैं सोलर पैनल लगाए,
और सोलर पैनल के माध्यम से वह फ्री में बिजली पाए, कनेक्शन हम उसको डिसकनेक्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी देखभाल स्वयं करें, उसका संचालन करें। हाँ, पैनल देने में हम उसको सहयोग करेंगे। इस स्कीम को हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। और आखिरी प्रश्न ये योगी जी के, जो गन्नों की कुछ मेरे को शिकायतें मिली हैं कि पेमेंट लेट आ रही है। देखिए, गन्ना किसानों को पहली बार इतना अच्छा भुगतान मिला है। 2003 से 2017 के 14 वर्ष के कुल टोटल भुगतान से अगर इसकी तुलना करें तो हम उससे ज्यादा भुगतान अब तक कर चुके हैं। 1,56,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक गन्ना किसानों का हुआ है। एक बड़ी राशि है। करंट सीजन का हम 70% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब 2017 में हम आए थे, साथ साथ 8-8 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था। इस समय किसानों का गन्ना मूल्य समय पे करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, 2-3 ग्रुप हैं जिनमें समस्या आ रही है, लेकिन उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। कोविड कालखंड में एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी हमारी सरकार ने, सभी चीनी मिलें चलाई, और जब तक किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलाई। योगी जी अगली बार आएंगे तो पश्चिमी यूपी का क्या भविष्य है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।